नमस्कार, मैं सतीश मेहरा। हरियाणा में नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में नई सरकार ने अपना कामकाज संभाल लिया है और सभी मंत्रियों ने भी अपना काम सुचारू रूप से करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी प्रदेश में होने वाले कार्यों का 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, जिन पर अधिकारियों कर्मचारियों ने काम करना है। मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों की बैठक लेकर उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। वहीं सरकार के सभी मंत्री व विधायक एक्टिव मोड में नजर आने लगे हैं। सभी प्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में धन्यवाद दौरों पर निकल चुके हैं और जहां आमजन का धन्यवाद कर रहे हैं, वहीं अधिकारियों और कर्मचारियों पर खूब बरस रहे हैं। शुरू से ही अपना दबदबा कायम करने का प्रयास कर रहे हैं। ज्यादातर मंत्री व विधायक अधिकारियों और कर्मचारियों को इस प्रकार से लताड़ लगा रहे हैं, जिससे लगता है वह अपनी ही पुरानी पिछले 10 साल की सरकार के कार्य कामकाज को भूल गए हैं। जिन अधिकारियों कर्मचारियों के बेहतर काम करने की वजह से सरकार ने तीसरी बार हैट्रिक लगाई है, कर्मचारियों की इन सभी उपलब्धियों को दरकिनार करते हुए आज सभी मंत्री, विधायक और भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए उम्मीदवारों का सरकारी मशीनरी पर गुस्सा फूट रहा है। विधायक कर्मचारियों को यहां तक कह रहे हैं कि वे या तो भ्रष्टाचार व काम चोरी छोड़ दें या फिर हल्का छोड़ दें। पूंडी के विधायक सतपाल जांबा ने यही कहते हुए अधिकारियों व कर्मचारियों पर निशाना साधा है। इससे पहले भी हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने मंत्री पद का कार्यभार संभालते ही अंबाला कैंट के बस अड्डे व आसपास की मार्केट में दौरा किया और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई थी। यहां तक कि बस अड्डे के स्टेशन सुपरवाइजर को सस्पेंड भी किया है। इससे पहले भी उन्होंने अधिकारियों को मीटिंग से बाहर जाने के लिए कहा था और अपना गुस्सा जाहिर किया। गुड़गांव में हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरवीर सिंह का गुस्सा भी इस कदर था कि उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दे डाली और अपनी चेतावनी में यहां तक कहा भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यहां तक कहा कि अगर इसी तरह से अधिकारियों ने अपना काम करना है तो वह अपने आकाओं से बात कर लें, या तो राव नरवीर रहेंगे या फिर अधिकारी रहेंगे। इससे भी आगे बढ़कर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार चुनाव में हारे हैं, वह भी कर्मचारियों पर, यहां तक कि गांव के चुनावी सरपंचों पर आग बबूला है। कई हारे हुए उम्मीदवार तो यहां तक कहते हैं कि जिन कर्मचारियों और सरपंचों ने चुनाव में उनके खिलाफ काम किया है, वे परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। रतिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने सार्वजनिक रूप से सरपंचों को चेतावनी दी है। मंत्रियों, विधायक और उम्मीदवारों के गुस्से का परिणाम भी सामने आने लगा है। जनता के प्रतिनिधियों द्वारा जाहिर किए जा रहे इस गुस्से से लगता है कि अब पंचायती राज संस्थाओं व अन्य संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों पर गाज गिरना तय है। इस प्रकार से ये सभी प्रतिनिधि अपना गुस्सा जाहिर कर पिछले 10 साल की अपने सरकार की को नकारा साबित कर रहे हैं। पिछले 10 साल से प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदेश में जो विकास किया है, उसी के बलबूते पर सरकार ने तीसरी बार सत्ता में आने की हैट्रिक लगाई है। यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने चुनाव के दौरान अपने 10 साल की उपलब्धियां गिनवाई, जिससे जनता ने उनको वोट दिए हैं। जनप्रतिनिधियों द्वारा इस प्रकार से लताड़ने और सार्वजनिक रूप से उनको बेइज्जत करने से अधिकारियों, कर्मचारियों व पूरी सरकारी मशीनरी का मनोबल कम होगा। आखिरकार सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित तो इसी मशीनरी द्वारा किया जाना है, इसलिए सभी मंत्री, विधायक व सत्तारूढ़ पार्टी के मौजूद नेता अपने अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएं और उनको और ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित करें। निश्चित रूप से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को जनहित में लागू करने के लिए जी जान से काम करेंगे।